होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे आज हम जाने वाले हैं गौमुख वशिष्ठ आश्रम। आधे घंटे में करीबन सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। ये मंदिर घने जंगलों में स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको पहले वाहन से पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा और फिर वहां से आपको करीबन 700 सीढ़ियों का उपयोग करके नीचे उतरना होगा। सीढ़ियों से जाने वाला रास्ता हरियाली से घिरा हुआ है और आसपास की घाटी का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पर हाँ, इसी के साथ आपको यहाँ रास्ते में बहुत सारे लंगूर मिलेंगे, तो जरा संभल के भी रहना। चूंकि ये मंदिर जंगल में है तो यहाँ शाम के बाद और अकेले बिल्कुल ना जाए। और हाँ, क्योंकि यहाँ 700 सीढ़ियों को चढ़ना और उतरना पड़ता है तो सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, इसका ध्यान रहे। ये स्थान ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। ये वही पवित्र जगह है जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण ने शिक्षा ली थी। यहाँ आप एक अग्निकुंड देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने इसी अग्निकुंड में एक यज्ञ किया था, जिससे 4 प्रमुख राजपूत कुलों का, परमार, परिहार, चौहान और सोलंकी का निर्माण हुआ था। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर शाश्वत जल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो गौमुख नामक पत्थर की नक्काशीदार गाय के सिर के मुहाने से बहता है और इसी को सरस्वती नदी का उद्गम भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जी को ऋषि विश्वामित्र द्वारा श्राप प्राप्त होने पर ऋषि वशिष्ठ ने उनका शापोद्धार किया और प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम के पास ही प्रवाहित हो। तब से श्री सरस्वती जी यहाँ निरंतर प्रवाहित होने लगी। यही पास ही में आपको नंदी, ऋषि वशिष्ठ, भगवान राम और भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी देखने मिलेंगी। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान में एक रात बिताने से 1000 गायों को दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो इस पवित्र स्थान पर कुछ समय बैठें और इसकी आभा को महसूस करें, प्रकृति को नमन करें और धन्य धन्य महसूस करें। गौमुख आश्रम से वापस ऊपर आने के बाद चलिए अब चलते हैं खाना खाने होटल राजस्थानी भोजनालय। गौमुख वशिष्ठ आश्रम से अगर हम दोपहर 12 बजे में निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 12:30 बजे तक राजस्थानी भोजनालय पहुंच जाएंगे। राजस्थानी भोजनालय नक्की झील से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर स्थित एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। राजस्थानी भोजनालय माउंट आबू में दाल बाटी चूरमा खाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ थाली भी मिलती है। इसके अलावा यहाँ की पापड़ और मुंगोड़ी की सब्जी, कड़ी पकोड़े, गट्टे की सब्जी, खिचड़ी, बाजरे की रोटी, दही तड़का, बटे का पोहा और आलू के पराठे, सभी व्यंजन लाजवाब है। खाने के बाद इनका छाछ तो बनता है, जरूर ट्राई करें। राजस्थानी भोजनालय में खाने का लुफ्त उठाकर चलिए अब चलते हैं वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम देखने। अगर हम दोपहर 2:30 बजे में निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 3 बजे तक वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम ब्रह्म कुमारी द्वारा 1950 में स्थापित किया गया संग्रहालय है, जहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी आयु समूहों के बीच प्रसिद्ध यह संग्रहालय सभी के बीच मानवता का प्रचार करने के उद्देश्य को पूरा करता है। ये खासकर उन लोगों की मदद करता है जो जीवन से आशा खो चुके हैं या आत्महत्या की प्रवृत्ति रखते हैं। सभी धर्मों और जातियों के लोगों का स्नेह के साथ स्वागत करने वाले इस विश्व आध्यात्मिक संग्रहालय में साल भर सैकड़ों पर्यटक आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करने आते हैं। किसी भी पर्यटक से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, लेकिन पर्यटक इस संग्रहालय के कल्याण के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ धन दान करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। इस संग्रहालय में
एक राजयोग कक्ष है जिसमें पर्यटकों को राजयोग प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संग्रहालय में एक लेजर शो मुफ्त दिखाया जाता है जो विज्ञान और अध्यात्म का सही संयोजन प्रस्तुत करता है। इस अद्भुत शो के अंत में पर्यटक कुछ मिनटों के लिए ही सही लेजर बीम के माध्यम से राजयोग के प्रभाव का अनुभव करते हैं। संग्रहालय के अलावा इस भवन के एक हिस्से का उपयोग विश्वविद्यालय के रूप में किया जाता है जो वंचितों को पढ़ाता है। वे लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। ये ध्यान का एक अद्भुत सत्र प्रदान करता है और उन सत्रों में भाग लेकर एक व्यक्ति आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकता है। सुंदर मॉडलों और चित्रों के माध्यम से स्वयं, ईश्वर, पुनर्जन्म और कई अन्य चीजों के आध्यात्मिक ज्ञान को हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम कर्म दर्शन का ज्ञान भी प्रदान करता है। यहाँ मौजूद आकर्षक बड़ी बड़ी मूर्तियां और परावर्तन है जो बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाते हैं कि दोषों और दुखों का युग जल्द ही समाप्त होने वाला है और पवित्रता, शांति और आनंद वाले सतयुग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। ये संग्रहालय संगम के पांचवें लघु युग संगम युग सहित पूरे विश्व और चार युगों का ज्ञान प्रदान करता है। इसी कारण भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम आकर्षित करता है। स्वर्ण भारत की झांकी हमारे मन को परमानंद से भर देती है। इस अद्भुत संग्रहालय में अच्छा खासा समय बिताकर चलिए अब हम चलते हैं रघुनाथ मंदिर की ओर। वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम से अगर हम शाम 4:30 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 5 बजे तक रघुनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। नक्की झील के दक्षिण पूर्व की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर रघुनाथ मंदिर स्थित है। ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर श्री रघुनाथ अर्थात प्रभु श्री राम को समर्पित है जो भगवान विष्णु के अवतार है। हजारों साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति स्वयंभू है जो नक्की झील से प्रकट हुई थी। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम रघुनाथ जी के नाम से बिना सीता जी और लक्ष्मण के अकेले प्रतिष्ठापित है। यहाँ आकर भगवान राम के दर्शन पाकर मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है। गर्भगृह में सुशोभित वस्त्रों से सुसज्जित ऐसी सुंदर रघुनाथ जी की मूर्ति हमें देखने मिलती है। लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि रघुनाथ जी अपने भक्तों को सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं और उनके जीवन के दर्द और समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। मंदिर की नक्काशी और खूबसूरती बेमिसाल है। रघुनाथ मंदिर मेवाड़ की संस्कृति और स्थापत्य विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रभु श्री राम का ये मंदिर ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर है। रघुनाथ मंदिर के पास ही में विशाल वन है जिसे श्री रघुनाथ जी बगीचा भी कहते हैं और इसी वन में है 3 कुंड जिनका नाम है राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ इसी भूमि में रहा करते थे। जब अपने गुरु से मिलने राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तब उन्होंने एक बाण से कुंड का निर्माण किया जो आज राम कुंड के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार उन्होंने सीता मैया और लक्ष्मण जी के लिए भी कुंड का निर्माण किया जो आज सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कुंडों का पानी पीने से रोगों का नाश हो जाता है। इन कुंडों के अलावा राम कुंड के पास ही में एक गुफा है जिसमें भगवती काली माता का मंदिर स्थापित है। कहा जाता है श्री महाकाली राम कुंड से ही प्रकट हुई थी और देवताओं के बुरे समय में मां ने दानवों का संहार किया था। लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि मां काली के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है और उनके हर कष्ट का नाश हो जाता है। इन सभी पवित्र स्थलों का दर्शन करने के बाद अब हम डिनर करने चलते हैं
रेस्टोरेंट मलबरी ट्री। रामकुंड से अगर हम शाम 6:45 भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 7:15 तक रेस्टोरेंट मलबरी ट्री पहुंच जाएंगे। मुख्य बाजार में स्थित मलबरी ट्री अपने खूबसूरत माहौल और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। ये रेस्टोरेंट होटल हिल्टन का आंतरिक रेस्टोरेंट है। यहाँ बैठने की व्यवस्था, सजावट, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। मलबरी ट्री में गार्डन सीट आउट एरिया भी है। इनका स्टाफ विनम्र है और आपकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ वेज और नॉन वेज व्यंजन दोनों ही बहुत बढ़िया मिलते हैं। राजस्थानी चिकन, चिकन टिक्का, जोधपुर लाल मांस, सब्ज दम बिरयानी, फ्राइड हंकर्ड, पालक पनीर, क्रिस्पी वेजिटेबल, कश्मीरी दम आलू और मक्के की मिर्च का भरता, ऐसे बहुत सारी वैरायटी यहाँ मिलती है। मिठाइयों में इनका मालपुहा और रबड़ी के तो क्या कहने, जरूर जरूर ट्राई करें। मलबरी ट्री के भोजन का आस्वाद लेने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, माना कि ये थोड़ा महंगा रेस्टोरेंट है, लेकिन भोजन और परिवेश के अनुसार इसकी कीमतें उचित है। मलबरी ट्री रेस्टोरेंट में खाना खाकर अब हम होटल लौटेंगे। रेस्टोरेंट से अगर रात 8:30 भी निकले तो आधे घंटे में करीबन रात 9:00 तक पहुंच जाएंगे। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 आज हम बढ़ेंगे गवर्नमेंट म्यूजियम की ओर। आधे घंटे में करीबन सुबह 10:00 तक पहुंच जाएंगे। माउंट आबू को ऐतिहासिक काल से ही सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। राजभवन के परिसर के भीतर 1962 में निर्मित इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की पुरातात्विक संपदा को संरक्षित करना है। संग्रहालय के भीतर प्रवेश करने के लिए नॉमिनल शुल्क लिया जाता है। गवर्नमेंट म्यूजियम में इस क्षेत्र की जनजातीय जीवन से संबंधित कला और कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है, जो 6वीं शताब्दी पूर्व का है। समृद्ध इतिहास को प्रकट करने के अलावा ये प्रदर्शन माउंट आबू की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाता है। इस संग्रहालय को उनकी प्रदर्शित वस्तुओं के आधार पर 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन की वस्तुओं को शामिल किया गया है। यहाँ के प्रदर्शन में तरह तरह के कपड़े, आभूषण, हथियार हैं। तो दूसरे खंड में आसपास के प्राचीन मंदिरों और संरचनाओं के अवशेष हैं। यहाँ आप भगवान शिव, अग्नि, विष्णु, जैन गुरुओं और अप्सराओं की कुछ शानदार मूर्तियां देख सकते हैं, जो 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच की है। ये संग्रहालय इतना दिलचस्प है कि सभी आयु वर्ग की भीड़ को आकर्षित करता है। इस संग्रहालय का उल्लेखनीय संग्रह 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की देवदासी या नर्तकी की बारीक नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जो माउंट आबू से लगभग 7 किलोमीटर दूर चंद्रावती नामक एक प्राचीन बस्ती से प्राप्त की गई है। ये गवर्नमेंट म्यूजियम सुबह 9:30 से शाम 5:00 तक खुला होता है, तो शुक्रवार और सार्वजनिक छुट्टियों दरमियान बंद रहता है, इसका ध्यान रहे। गवर्नमेंट म्यूजियम से चलिए अब हम चलते हैं शॉपिंग करने। कहाँ? नक्की लेक मार्केट। म्यूजियम से अगर हम सुबह 11:00 भी निकले तो आधे घंटे में करीबन सुबह 11:30 तक पहुंच जाएंगे। लोकप्रिय नक्की झील की ओर जाने वाली सड़क पर फैला हुआ नक्की लेक मार्केट माउंट आबू का मुख्य शॉपिंग मार्केट है। ये मार्केट कई राजस्थानी हस्तशिल्प, बंधनी कपड़े, घाघरा चोली, कपास और रेशम, जयपुर की रजाई, ऊनी स्वेटर, शॉल, कलात्मक दर्पण, हस्त निर्मित गुड़िया, हैंडबैग, पेंटिंग और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको उत्तम आभूषण और रंगीन वस्त्रों से लेकर सुंदर चूड़ियां और आकर्षक लकड़ी की कलाकृतियों तक सब कुछ मिल जाता है। इस जगह में कई छोटी मोटी मिठाइयों की दुकानें भी है,
जो क्षेत्र की कुछ बेहतरीन राजस्थानी मिठाइयां बेचती है। नक्की लेक मार्केट में अच्छी खासी शॉपिंग कर दोपहर 1 बजे चलिए अब हम लंच करने चलते हैं आबू रेस्टोरेंट। नक्की लेक मार्केट से अगर हम दोपहर 1 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 1:30 बजे तक आबू रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। आबू रेस्टोरेंट शाकाहारी रेस्टोरेंट है जहां राजस्थानी, चाइनीज, पंजाबी, साउथ इंडियन हर तरह का खाना मिल जाता है। यहां परोसे जाने वाले कुछ खास पदार्थ जैसे रबड़ी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, पाव भाजी और दाल बाटी लाजवाब है। आबू रेस्टोरेंट में बैठने के लिए भी बड़ी जगह उपलब्ध है। यहाँ के कर्मचारी अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। आबू रेस्टोरेंट के भोजन का मजा लेने के बाद चलिए अब फिर से शॉपिंग के लिए चलते हैं टिबेटन मार्केट। रेस्टोरेंट से अगर हम दोपहर 3 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 3:30 बजे तक टिबेटन मार्केट पहुंच जाएंगे। टिबेटन मार्केट सड़क के किनारे लगी कई दुकानें और एम्पोरियम का एक रोमांचक सम्मेलन है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े और जूते यहाँ उपलब्ध है। खासकर सर्दियों में पहनने के कपड़े खरीदने के लिए टिबेटन मार्केट एक शानदार जगह है। आपको यहाँ जैकेट, स्वेटर, हाथ के दस्ताने और ऊनी मोजे भी मिलेंगे। स्टाइलिश कपड़ों से लेकर भव्य जंग ज्वेलरी तक ऐसी कोई फैशनेबल चीज नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। टिबेटन मार्केट में अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद चलिए अब हम चलते हैं चंपा केव और टोड रॉक देखने। मार्केट से अगर हम दोपहर 4:30 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 5 बजे तक चंपा केव पहुंच जाएंगे। टोड रॉक तक जाने वाले रास्ते में ही हमें एक ऐतिहासिक स्थल देखने मिलता है जिसका नाम है चंपा केव या चंपा गुफा। सन 1891 में प्रसिद्ध भारतीय संत स्वामी विवेकानंद ने यहाँ कुछ हफ्तों तक ध्यान किया था। स्वामी विवेकानंद के पदस्पर्श से पावन हुई चंपा गुफा को देखकर और यहाँ कुछ समय बिताकर शाम करीबन 5:30 बजे चलिए अब आगे बढ़ते हैं टोड रॉक की ओर। आधे घंटे में शाम करीबन 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। नक्की झील के पास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित टोड रॉक एक विशाल चट्टान का टुकड़ा है जो झील के पानी में कूदने के लिए तैयार एक मेंढक जैसा दिखाई देता है। टोड रॉक का रास्ता नक्की झील के पास से शुरू होता है। यहाँ जाने के लिए आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। एक बात का विशेष ध्यान रहे, ये सीढ़ियां कई जगहों पर टूटी हुई है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए ये चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो अच्छे ग्रिप वाले जूते जरूर पहने और हाँ, गर्मी के मौसम में कैप और पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखिए। टोड रॉक पहुंचने पर आसपास के झील और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्रों की मनोरम सुंदरता को देखकर आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटी मोटी दुकानें भी मिल जाती हैं, जहाँ आपको चाय, कॉफी, पानी के बोतल, बिस्कुट वगैरह मिल जाते हैं। विश्वास कीजिए, टोड रॉक एक अद्भुत स्थान है जहाँ आराम से बैठकर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। टोड रॉक पर एंजॉय करने के बाद चलिए अब हम होटल लौटते हैं। टोड रॉक से अगर हम शाम 7 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 7:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। आज का डिनर हम होटल में ही करने वाले हैं। कल एक सरप्राइज है, कल हम एक नया रोमांचक अनुभव लेने के लिए मौजूदा होटल से चेकआउट कर एक नई जगह चेक इन करने वाले हैं, तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए।